तो सबसे पहले राधे राधे। तो मैं आज आ गई हूँ वीडियो लेके, बहुत खूबसूरत सा वीडियो लेके प्रेम मंदिर के बारे में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो ये है प्रेम मंदिर का मेन गेट, जो कि मेन रोड पे है। और आप देख सकते हैं कि गेट इतना सुंदर है तो मंदिर कितना सुंदर होगा। तो चलिए हम आ गए हैं अंदर, और मैं आपको प्रेम मंदिर के बारे में आगे बताती हूँ। प्रेम मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो कि वृंदावन मथुरा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में स्थित है। इटालियन मार्बल यानी करारा पत्थर से बना हुआ ये मंदिर कितना खूबसूरत है, आप देख ही सकते हैं। प्रेम मंदिर का कंस्ट्रक्शन 2001 जनवरी में स्टार्ट हुआ था, और प्रेम मंदिर 2012 में बनके तैयार हो चुका था, और 17 फरवरी 2012 को भक्तों के लिए ये मंदिर का द्वार खोल दिया गया था। 150 करोड़ में बना ये मंदिर बेहद खूबसूरत है। 25,000 मजदूरों ने 11 साल में ये मंदिर को तैयार किया था। प्रेम मंदिर श्री राधा कृष्ण और माता सीता प्रभु राम जी को भी समर्पित है। और प्रेम मंदिर की ऊंचाई 169.78 मीटर है, जो कि 557 फीट है। प्रेम मंदिर में सबसे ज़्यादा भीड़ होता है जन्माष्टमी और राधा अष्टमी के टाइम पे। वो उस टाइम पे बहुत सारे भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए। और कि प्रेम मंदिर को जगतगुरु कृपालु महाराज ने बनवाया था, और मंदिर का देखरेख जो होता है ना, वो जगतगुरु कृपालु परिषद के द्वारा की जाती है, जो कि इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट एजुकेशन स्पिरिचुअल चैरिटेबल ट्रस्ट है, और उनके द्वारा मंदिर का देखरेख सारा किया जाता है। तो ये है प्रेम मंदिर का सामने का व्यू, और मैं आपको पूरा डे एंड नाइट दोनों में वीडियो दिखाने वाली हूँ। दिन में कैसा दिखता है मंदिर, रात को कैसा दिखता है मंदिर। और यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ बनाई हुई हैं, जो कि श्री कृष्ण भगवान ने रासलीला किया था, जो भी लीलाएँ की थी वो यहाँ पे चारों कोने पे चारों लीलाएँ बनाई गई है, जो कि वो नाइट व्यू में आपको मैं दिखाऊंगी। आगे देखिए, ये देखिए, कुछ ही देर में इतने सारे भक्त आ गए, इतने सारे लोग आ गए। और बने रहिए मेरे वीडियो में एंड तक। बाहर तो घूम लिए, अब अंदर मंदिर में प्रवेश करेंगे। उससे पहले हम जूते चप्पल अपना रख देंगे शू स्टैंड में। तो ये रहा शू स्टैंड, इसका जस्ट ऑपोजिट में ऐसे देखिए, जैसे बकेट दिया रहेगा, उसमें एक बैग रहेगा, इसमें नंबर दिया हुआ है ना, वैसे नंबर रहेगा। तो कोई भी आप बैग उठा लीजिए, उसमें आपका जितने भी जूते चप्पल है सबका उसी में रख के आप वहाँ पर जमा कर दीजिए। इसमें कोई फ़ी नहीं लगता, आपको पैसे नहीं लगते, फ्री में हो जाता है। और उसके बाद आप जब बैग वहाँ पे दे देंगे, तो वो लोग पर्ची में वो जो आपका बैग रहेगा उसका नंबर आपको पर्ची में लिख के दे देंगे। तो वापस रिटर्निंग के टाइम पे आप पर्ची दिखा के अपना चप्पल ले सकते हैं। यहाँ है हाथ धोने के लिए, पैर धोने के लिए, और पानी पीने के लिए है, आप पी सकते हैं, हाथ पैर धो सकते हैं मंदिर में प्रवेश करने से पहले। तो अंदर जाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मंदिर दिन में 3 बार खुलता है, और मॉर्निंग में खुल जाता है 5:30 बजे, और 6:30 बजे भोग लगता है और पट बंद कर दिया जाता है। फिर 8:30 बजे भक्तों के लिए खुल जाता है मंदिर का द्वार, और उसके बाद 11:30 बजे भोग लगता है। फिर आफ्टरनून में 12 बजे पट बंद कर दिया जाता है। फिर शाम को 4:30 बजे आरती होता है, और शाम को 5:30 बजे भोग लगता है। तो के लिए मंदिर कब से कब तक खुलता है मैं आपको बता देती हूँ। मंदिर सुबह 7 बजे खुल जाता है, आप जाइए नहा धो के सुबह जाके आप दर्शन कर लीजिए। 12 बजे मंदिर बंद हो जाता है, फिर शाम को 4:30 बजे खुलता है, और 8:30 बजे बंद हो जाता है। तो इसी टाइमिंग के बीच में आप जब भी जाएँ, आप दर्शन हो सकता है आराम से और घूम सकते हैं। और मेरा तो आपसे ये विनती है कि आप हो सके तो शाम को जाइए, क्योंकि शाम को बहुत सुंदर लगता है। देखिए अभी शाम हो चुका है, और हम अभी चलते हैं अंदर देखने अंदर, और अगर हो सके दर्शन में ज़रूर करवाऊंगी आपको। तो चलिए अंदर चलते हैं।
शाम को इन लाइट की वजह से मंदिर इतना प्यारा लगता है। मंदिर में लेज़र लाइट लगा हुआ है जो कि हर 30 सेकंड में मंदिर का कलर जो है वो चेंज होता रहता है, इसलिए हमें बहुत प्यारा लगता है। अंदर जाने के बाद मंदिर का जो मेन गेट होता है वो वहाँ से दिखाई देता है, ये रहा। नीचे का तो देख लिए, चलिए अब हम चलते हैं ऊपर। ऊपर की तरफ चल के ऊपर का व्यू दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो हम आ गए हैं ऊपर, ये देखिए ऊपर में भी बहुत प्यारा सा दिख रहा है, बहुत प्यारा व्यू है। अब आएंगे ना आपको जाने का मन नहीं करेगा। तो सबसे अच्छा ना ये झूमर लगता है, ये देखिए इतना प्यारा लग रहा है। तो ऊपर भी हो गया दर्शन, देख लिए हम लोग, घूम घाम लिए, अब चलते हैं नीचे। और मैं आ गई अभी बाहर के तरफ। आप देख सकते हैं मंदिर के वॉल पे ना कृष्ण जी की सारी लीलाएं बड़े बखूबी से चित्राया हुआ है, दर्शाया हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा है। आप जाइए, आप वहाँ गौर से आप देखिए, चैन से बैठिए, आपका ज़िंदगी का सुकून आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। और ये देखिए कुछ कुछ मूर्तियाँ यहाँ बनाई हुई हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी हैं और इन लाइट की वजह से और प्यारी लगती हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि नहीं कलर चेंज होता है तो कितना अच्छा लगता है ये मंदिर रात के टाइम पे। ये देखिए और प्रेम मंदिर के लेफ्ट साइड में अंदर ग्राउंड में है फाउंटेन जो कि भजन चल रहा था वहाँ पे, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। तो हमने वहाँ कुछ टाइम वेट किया और इन प्यारी प्यारी कलरफुल फाउंटेन को देख के हमने मज़े लिए और खूब आनंद आया हमें। कृष्ण भगवान ने जो लीलाएं रची थी उन्हें वहाँ पे गार्डन में बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है, जैसे कि झूलन लीला। ये राधा कृष्ण जी को झूलते हुए आप देख सकते हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। और दूसरा है गोवर्धन लीला जो कि कृष्ण भगवान ने अपनी एक उंगली पे पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिए थे अपने गाँव वासियों को पानी से बाढ़ से बचाने के लिए। और तीसरा है रास लीला, आप देखिए इतना 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 प्यारा लग रहा था कि मैं क्या ही बताऊं, आपको वीडियो में ही अच्छा लगेगा। और चौथा है कालिया नाग लीला, तो ये रहा। यहाँ पे कुछ मेंटेनेंस चल रहा था, काम चल रहा था, तो रात को यहाँ पे लाइट वगैरह नहीं लगाया गया था। तो ये जो डे व्यू था, डे व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है प्रेम मंदिर का मेन गेट जो कि अभी मैं दिखा रही हूँ, और इसके जस्ट साइड में है, मैं आपको पूरा भी दिखा देती हूँ ये प्रेम मंदिर।
मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं प्रेम मंदिर के बारे में पूरी जानकारी आपको दे सकूं और सब कुछ प्रेम मंदिर का सारा वीडियो में दिखा सकूं। आई होप को वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। और हम अभी निकल आए हैं बाहर, और अगर आपको बाहर मूर्तियाँ लेनी हैं तो ये छोटा मोटा स्टॉल लगा रहता है बाहर में, आप ले सकते हैं। कपड़े भी वहाँ अवेलेबल है जिन पे राधे राधे लिखा हुआ है, और लहंगे वगैरह है जो अच्छे दामों में मिल जाता है आपको, और वहाँ पे आपको ज़्यादा बार्गेनिंग करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो ये रहा कुछ कपड़े, और बस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर राधे राधे लिखिए। मेरे वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर।